चंबा क्रॉस करके बमराड़ी की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम पहुंच चुके हैं रथी देवता के मंदिर। अभी ले रहे हैं मामा जी प्रसाद। यहाँ पीछे से है गेट और इसके अंदर से जाएंगे हम रथी देवता के मंदिर में। तो चलते हैं यहाँ से, अभी ले रहे हैं प्रसाद यहाँ पे और फिर चलते हैं अंदर दर्शन करने। तो इसका नाम है अलेरू, अलेरू जगह है ये, पड़ता है टिहरी जनपद में। ये रहा पीछे मंदिर, करते हैं दर्शन। चलो देवता के मंदिर में। और ये देवता के मंदिर की खास बात ये है कि ये एक आदमी थे पहले और यहाँ पर हैजा की बीमारी फैल गई थी और हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन प्रचलित ये तब हुए जब इसके बाद मृत्यु उपरांत जब ये लोगों पे आने लगे थे देवता के रूप में। और फिर समस्या जैसे किसी को होती थी तो इनके पास जाते थे तो समाधान बता देते और सटीकता से वो समाधान काम भी करता था। तो इस तरीके से प्रचलित हो गए थे। और उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि आप देवता कैसे बने, तो जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त जो नक्षत्र थे वो बहुत अच्छे थे, तो उस वजह से इनका ये देवता स्वरूप में बदल गए थे। और बाकी गाय भैंसों को चराने बहुत जाते थे, मतलब इनका शौक था चराना। और कुछ दंतियों के माध्यम से पता चलता है कि चराते चराते ही इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ही इनका जो देवता स्वरूप जो इस मंदिर में भी देखा जा सकता है। और किलो खाल ये चंबा और बमराड़ी ये इन दोनों के बीच में पड़ जाता है। किलो खाल काफ़ी प्रचलित देवता है, जो भी मुराद मांगो वो पूरी होती है। आप भी एक बार विजिट ज़रूर करिए। और इनके मंदिर की खास बात ये है कि इनके मंदिर में बहुत सारी लाल पीली झंडियाँ चढ़ाई जाती हैं। और ये भी देखा जाता है कि सिगरेट जो बाबा जी ने चढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, तो सिगरेट और धूप ये भी चढ़ाया जाता है। बाकी जैसे आप मंदिर में एंटर होते हो तो आपको सबसे पहले परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करने के लिए बोला जाता है और सिर्फ आपको मंदिर के पीछे घूमने के लिए बोला जाएगा। और बाकी आप भी आइए एक बार अपनी मुराद लेके इस मंदिर में। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, पुराने शैली में बना है, लेकिन बीच में जो मैंने इतिहास में पढ़ा है कि किसी नेपाली को ये कंस्ट्रक्शन का काम सौंप दिया गया था, तो इसमें नेपाली शैली भी दिखती है इस मंदिर में थोड़ा बहुत। और बाकी काफ़ी अच्छा खूबसूरत मंदिर है, जैसे वो सामने के गुंबद टाइप के मंदिर है। एक काठमांडू में जो मंदिर होते हैं उनकी शैली से थोड़ा इंस्पायर बोल सकते हैं, लेकिन दिखने का काफ़ी अच्छा मंदिर रथी देवता का। Oh,
सो गाइस अलेरू जगह में रत्ती देवता के मंदिर से हम आ चुके हैं और वहाँ पर एक औरत पे, एक लेडी पे देवता अवतरित हुए, एक लेडी पे, ठीक है, और उनका नृत्य देखा तुमने। और उनको ध्यान देने वाली बात यह थी कि टोपी, छतरी और लाठा जो लकड़ी होती है, ये सब दिया गया था। जब वो नाच रहे थे तो उनको ये सारी चीज़ें दी गई थी और काफ़ी अच्छा नृत्य कर रहे थे हमारे रत्ती महाराज। और भाई तुम्हें भी आना चाहिए अपनी एक मन मुराद पूरी करने के लिए, देखो और आओ इस भव्य मंदिर में। बाकी भाई कैसा लगा तुम्हें ये वाला व्लॉग? आई होप आप सभी लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों के साथ, कमेंट डाउन बिलो अपने विचार, बाकी सब्सक्राइब करो फायर जोन को। और बाकी मैं मिलता हूँ, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाय।